मेरे को एक बात समझ में नहीं आया कि तुम जैसा इतना बड़ा आदमी, जिसका पूरी दुनिया में इतना बड़ा बड़ा 5-स्टार होटल है, वो ये मेरा 3-स्टार होटल खरीदने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। और मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि मेरा बाप अपना गाड़ी कमाई से सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बनाया वो यही है। मेरा इसमें थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये होटल मैं आपको नहीं बेच सकता, सॉरी। इमोशंस और तुम, इमोशन का ई भी नहीं नजर आता तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे पर। व्हाट डू यू मीन मिस्टर रोपरेल? ये हो क्या रहा है अपूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग है या इंसल्टिंग सेशन? तुम लोग मेरा होटल में मेरा शाब आदमियों के सामने मेरा बेइज्जती करता है? मेरा उम्र का ख्याल करो, मैं हार्ट पेशेंट है। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए यहां से। नहीं बेचना मेरे को, नहीं बेचेगा होटल। आरव, मुद्दे की बात करें, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे पता नहीं तुम्हें कैसे करोगे, लेकिन एक महीने के अंदर मुझे तुम्हारा ही होटल अपने नाम पे चाहिए। तुम्हें डील 60 करोड़ में साइन करोगे, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोलकाता की सड़कों पर तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ भीख मांगते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि इस सदमे की वजह से तुम्हें सड़कों पर ही दिल का दौरा पड़ जाए और तुम मर जाओ। बिलीव मी, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। I just can't get boss's reaction out of my head. क्या हो रहा है अपूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग हो रही है या इंसल्टिंग सेशन? You should have seen his face, man. पता नहीं यार, जिस इंसान ने मुझे मेरे बचपन में इतना सताया, इतना जलील किया, उसे आज तकलीफ देकर मुझे खुशी क्यों नहीं मिली यार? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम हर चीज को इतना डीप बना देते हो ना, इतना दुख भरा है तुम्हारे अंदर। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, दर्द से भरे हुए। क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। अपुन में जो बात है ना, वो आप में नहीं है। उसने मुझे प्यार के लिए नहीं, लड़ने के लिए जिंदा रखा है।